हेलो फ्रेंड्स, आईसीआईसीआई बैंक इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर फ्रेशर के लिए और कुछ क्वेश्चन मैंने आपको टॉपिक मैंने ऐसे भी बताया है जो कि एक्सपीरियंस के लिए भी काम आ सकता है। तो सबसे पहले जानेंगे दोस्तों हम यहाँ पे फ्रेशर्स दोनों के लिए क्या क्या काम आ सकता है। और उसके लिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैं मेंशन किया कि आईसीआईसीआई बैंक इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सेल्स ऑफिसर के लिए रहेगा। इसके अलावा दोस्तों जो इसमें कंपटीशंस क्वेश्चंस एलिजिबिलिटी क्या है वो भी बताऊंगा। उसके बाद व्हाई शुड वी हायर यू आवर सेल्स ऑफिसर ये भी बताऊंगा। उसके बाद व्हाट मोटिव्स यू, उसके बाद सेल्स ऑफिसर टिप्स। तो इतने सारे क्वेश्चंस आंसर जो है इसके अंदर रहेगा। और इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो मैंने ये पांच टॉपिक मैंने यहाँ पे बता रहा हूँ ये आईसीआईसीआई बैंक इंटरव्यू में गारंटी 101% जो है या इसमें जो है पूछा जाता है। और साथ ही साथ इसे इंटरव्यू के अलावा भी दोस्तों इसमें आपको क्या क्या अलग से यानी कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं। इसके सबसे पहले शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए ताकि पूरा नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचे। और इस वीडियो को जो है दोस्तों आप पूरा जरूर देखना। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक इंटरव्यू का क्वेश्चन फॉर सेल्स ऑफिसर के लिए और इसका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बताए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को यदि आप पूरा देखेंगे और यदि आपको आईसीआईसीआई बैंक में इंटरव्यू जाने का कभी मौका मिले तो आप बिल्कुल जाइए। और इस वीडियो में मैं आपको टोटली बताऊँगा और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो को देखेंगे तो आपको दोस्तों ये आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे ट्रेनिंग में जो वहाँ पे बताया जाता है ठीक है टोटल मैंने कवर किया है। तो बहुत सारे जो है ये इसमें आपको क्वेश्चन आंसर के अलावा बहुत सारे ज्ञान भी आपको मिल जाएगा। तो ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है इसमें रिजर्व कस्टमर क्वारीज इशू एंड फैसिलिटेट कस्टमर सर्विस ठीक है। तो इसके लिए कस्टमर सर्विस स्किल्स जरूरी है। यदि आप फ्रेशर है तो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे देखता है और यदि आप एक्सपीरियंस है तो कस्टमर सर्विस स्किल देखता है। जनरेट न्यू कस्टमर लीड्स थ्रू वेरियस चैनल एक्सपीरियंस रिक्वायर कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है दोस्तों आपको नया नया कस्टमर से मिलना जुलना होता है और उसका डेटा जो है आपको मेंशन करके उसी कस्टमर को जो है अपना जो अचीविंग द मंथली सेल्स टारगेट असाइंड टू हिम और हर फॉर वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेस ठीक है। यहाँ पे आपको गोल ओरिएंटेड जरूरी होना चाहिए क्योंकि आपको जो भी टारगेट दिया जाएगा सेल्स टारगेट वो आपको मंथली टारगेट कंप्लीट करना है। लेकिन दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक में आपको टारगेट तो मिलेगा लेकिन टारगेट ना मिलने के बाद यदि आपका सैलरी रुक जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरे कंपनी में टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ तो आपका जो मंथली जो सैलरी आता है दोस्तों वो बंद हो जाता है या नहीं देता है। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक में ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको सैलरी मंथली आपको मिल ही जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेंटेन पीरियोडिक स्टेटस रिपोर्ट इंक्लूडिंग डेली एक्टिविटी रिपोर्ट एंड कॉल्स फॉलो अप मेड। नहीं दोस्तों यदि आप एक्सपीरियंस है तो इसके बारे में हम जानेंगे, यदि जानते हैं। यदि आप फ्रेशर है तो दोस्तों होता क्या है दोस्तों जो भी आपको कॉल डाटा आपको मिलता है कस्टमर को कॉल करने के लिए बाद आपको जो भी सेल्स दिया जाता है जो भी प्रोडक्ट सेल्स करने के लिए उसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके क्योंकि कोई भी एक कस्टमर नहीं छूटना चाहिए जब तक उस कस्टमर ना बोले तब तक जो है उस कस्टमर को आपको अप्रोच करके आपका जो भी सेल्स प्रोडक्ट है करना चाहिए। दूसरा है दोस्तों कॉम्पिटेंस और क्वेश्चंस और एलिजिबिलिटी। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, वीडियो को आप पूरा देखें, बहुत सारे ज्ञान आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, आपको ये कहीं और नहीं मिलेंगे। दोस्तों इसमें होता क्या है सोशल कॉन्फिडेंस एबल टू स्टार्ट कन्वर्सेशन विद न्यू पीपल। देखिए आप फेसबुक या व्हाट्सएप या आप ट्विटर वगैरह चलाते होंगे, ये भी एक सोशल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जो मैंने मेंशन किया सोशल कॉन्फिडेंस, सोशली कॉन्फिडेंस मीन्स देखिए नए लोगों से आप मिलेंगे ठीक है, तो उनसे ऐसे मिलेंगे क्योंकि जैसे कि जान पहचान हो, उससे बातचीत करने के बाद आपको एक अच्छी तरह से पहचान उनके तरफ बढ़ाना हो। जैसे आप देखिए व्हाट्सएप में फेसबुक में आप किसी उससे बात करते हैं ठीक है, तो डायरेक्ट आप उनको हाय बोल देते हैं और फर्स्ट आप पॉजिटिवली उनसे बात करते हैं अपने दोस्ती बनाने के लिए। तो सेम यहाँ पे भी वही मैंने आपको मेंशन किया है सोशली कॉन्फिडेंट के तरह आपको होना चाहिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्लोजर ठीक है, आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्लोजर्स
यानी कि दोस्तों जो भी आपको प्रोडक्ट आपको सेल करने के लिए दिया जाता है आपको उसके ऊपर ट्रेनिंग तो मिलेंगे, लेकिन कस्टमर का क्वायरी दूसरा रहता है, ठीक है, और उसके हिसाब से कस्टमर का बात ध्यान से सुनना और उसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना, साथ ही साथ आपको जो भी सेल्स करने के लिए प्रोडक्ट दिया गया है उस प्रोडक्ट के माध्यम से ही आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। फैशन होना चाहिए दोस्तों, आपको जो भी काम दिया जाएगा उस काम में बहुत सारे फैशन तो आपको होना चाहिए, और फैशन होंगे तो आपको टारगेट आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो सो अगला थर्ड पॉइंट है, व्हाई शुड वी हायर यू आवर सेल्स ऑफिसर। सो जितने भी सारे पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये 100% जो है आपसे पूछे जाने वाला है, या आपको जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको जो है इंटरव्यू के दौरान ये पूरे कवर करते हैं, 15 डेज का या 20 डेज का जो है। व्हाई शुड यू हायर यू दोस्तों, ये आपको एक्सपीरियंस पर्सन हो या कोई फ्रेशर हो, 100% जो है ये सवाल आपको पूछेगा ही। तो इस पे मेंशन किया है, व्हाट इज़ की व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज़ व्हाट सेट्स यू अपार्ट फ्रॉम अदर। दोस्तों आपको वहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब ऐसे देना चाहिए ताकि बाकी जितने भी लोग आपसे आए हैं उसे थोड़ा हट के आपको मेंशन करना है, ठीक है। वर्ड्स आर यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट अदर फ्रेशर्स विद लिटिल वर्क एक्सपीरियंस, सो इफ यू हैव एक्सपीरियंस इन सेल्स और कस्टमर सर्विस एक्सपीरियंस नाउ इज़ द टाइम टू मेंशन। यदि आपको एक्सपीरियंस है तो आपको कैसे जवाब देना है शायद आपको पता है, दूसरों से हट के आपको थोड़ा अलग जवाब देना जरूरी है। सेल्स में दिस पे या कंप्यूटर या मोबाइल, ठीक है, एक्सेट्रा आपको बताए, तो कोई भी एक सामान दिया जाएगा जिसको आपको जो है सेल्स करके आपको आपके सामने जो एचआर मैनेजर रहेगा उनको जो है बताना पड़ेगा, ठीक है। दोस्तों अगला है ये हॉट मोटिव्स, द सेल्स ऑफिसर नीड टू मीट मंथली सेल्स टारगेट, सो से यू आर द गोल ओरिएंटेड एंड मीटिंग गोल एंड सब्जेक्ट मोटिव्स। दोस्तों होल इस जवाब का ऐसे जवाब आप थोड़ा घुमा फिरा के भी दे सकते हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स इसमें ये रहता है दोस्तों, इसमें आपको सेल्स ऑफिसर्स आपको एक मंथली टारगेट दिया देते हैं, ठीक है, उस मंथली टारगेट आपको कैसे कंप्लीट करना है उसके लिए आपको गोल ओरिएंटेड होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों मैं आपको वही बता रहा हूँ, आईसीआईसीआई बैंक में कोई भी टारगेट ऐसा टारगेट नहीं होता है जिसके आपका पेमेंट जो है रुक जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जितने भी ट्रेनिंग ऑफिसर्स रहते हैं, सेल्स ऑफिसर रहते हैं, बहुत ही क्लोज फ्रेंडली है। अगला है दोस्तों, स्टेट सेलिंग ए कस्टमर प्रोडक्ट दैट इम्प्रूव्स देयर एवरीडे लाइफ। आपको कुछ ऐसे प्रोडक्ट ऐसे सेल करना है ताकि कस्टमर को जो है बेनिफिट हो सके। अगला और लास्ट सवाल है दोस्तों, सेल्स ऑफिसर्स इंटरव्यू टिप्स। कुछ टिप्स मैंने यहाँ पे शेयर किया है, ये जरूर आप देख लीजिए। रिमेंबर दिस इज ए सेल्स जॉब सो यू नीड टू अपीयर आउटगोइंग। तो आपको ये याद रखना जरूरी है क्योंकि सेल्स जॉब है, आपको बाहर भी घूमना हो सकता है, मोस्टली सेल्स जॉब में बाहर ही होता है। एक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के अलावा वहाँ पे कुछ सिटिंग जॉब्स होता है, लेकिन बाकी पूरे जो है आपको ट्रैवलिंग इन द सिटी करना होता है। मेक श्योर यू हैव गुड पॉस्चर टू प्रिवेंट यू फ्रॉम मम्बलिंग। आपको अच्छी तरह से व्यवहार करना भी बहुत ही जरूरी है कस्टमर से। डो नॉट स्पीक टू फास्ट एज यू साउंड नर्वस, टू स्लो एज यू विल साउंड बोरिंग। दोस्तों जैसे कि आप देखिए, सुबह सुबह आप काम के लिए निकलते हैं तो आपके पास जो है एनर्जी बहुत होता है, जैसे जैसे दोपहर होता है, शाम होता है, तो आपका एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो दोस्तों इसमें मैंने वही मेंशन किया है, किसी भी कस्टमर से ना ही आप जल्दबाजी से बात कीजिए और ना ही नर्वस से बात कीजिए और ना ही स्लो बात कीजिए। आप दिन भर एक एनर्जी मेंटेन रखिए, ठीक है, आप उसी लेवल से आप हर एक कस्टमर से बात कीजिए। जो भी कस्टमर आपसे बात करेंगे वो उसको ऐसा ना लगे कि ये बंदा जो है बोरिंग है या कुछ और। ड्रेस फॉर्मली या ऐसे बैंकर ड्रेस एज वेल, बैंकर की तरह रहना चाहिए। आप देखेंगे कोई भी आईसीआईसी एम्प्लॉई जो भी आप देखेंगे उसके गले में तो आईडी कार्ड होगा, लेकिन फिर भी आप उसको एक ऐसा चीज़ देखेंगे कि वो लुक लाइक एक बैंकर की तरह जो है लगता है। बाकी आप जितने भी
अब देखेंगे बैंक के एम्प्लॉई, चाहे कोटक महिंद्रा हो या HDFC बैंकर को हो, आपको एक नज़र में उनको बैंकर नज़र नहीं आता है, लेकिन ICICI बैंक का जो एम्प्लॉई है आप देखते ही समझ जाएंगे कि एक बैंकर है। तो इसी तरह दोस्तों आपको भी एक बैंकर की तरह आपको ड्रेसअप जरूर करना है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।